दोस्तों, यह आज का पहली शिफ्ट का पेपर भाई, जिसमें बिल्कुल सेम के सेम प्रश्न है मैथ समेत। तो आपका पहला प्रश्न जो भी है, तो इसमें चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वह खट्टे फलों में संतरा, आम, संतरा, कच्चे आम, नींबू, आंवला, आंवले में सबसे ज्यादा। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अनुसंधान केंद्र संगठन। आरबीआई का जीवन काल कितना होता है? आरबीआई का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन आरबीआई का जीवन काल होता है। वनस्पति का जनक किसे कहते हैं? वनस्पति का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेटेटस। वनस्पति का जनक थियोफ्रेटेटस को कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। मटोरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मटोरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा कहाँ पर है? धोलावीरा में। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? जेवलिन थ्रो से। 2022 में गुजरात के सीएम कौन थे? 2022 में गुजरात के सीएम कौन थे? भूपेंद्र सिंह पटेल। पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है? टेबल टेनिस। मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री सेना से संबंधित है? मंगल पांडे 34वीं बटालियन इन्फेंट्री सेना से संबंधित है। सिपाही विरोध कब हुआ था? सिपाही विरोध कब हुआ था? 1857 में। किसी आयत की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 600 मीटर स्क्वायर। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। अल्फा कण की खोज किसने की? अल्फा कण की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। पोलियो रोग किससे फैलता है? पोलियो रोग किससे फैलता है? वायरस से। दो संख्याओं का लघुत्तम 600 तथा महत्तम 20 है। एक संख्या 100 तो दूसरी क्या होगी? तो इसका आंसर 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूरी भाग होगी? तो इसमें जो उत्तर था 1000 है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 20 और 30 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार, 1/2 विकर्ण गुणा विकर्ण, तो इसका आंसर होगा 300। तो इसमें दोस्तों थोड़ा ये गलत लिखा हुआ, ये है किसी घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 30 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया। तो इसका आंसर है 2200। लोथल सतल कहां पर? लोथल सतल कहां पर? गुजरात में। भारत का राष्ट्रीय पिता किसे कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय पिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपके सामने आंसर है भाई। दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है? दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से? कबड्डी से। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। पहला आपातकाल भारत में कब लगा? पहला आपातकाल भारत में कब लगा? 1966 में। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। झारखंड की राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी रांची है। पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट क्या होते हैं? जोड़ों से संबंधित। नीति आयोग का सीईओ कौन है?
नीति आयोग का श्री कौन है, नीति आयोग का श्री BVR सुब्रमण्यम। असम राइफल की स्थापना कब हुई, असम राइफल की स्थापना कब हुई, 1835 में। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, C6H12O6। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। सबसे मुलायम धातु कौन सी है, सबसे मुलायम धातु गैलीनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला विरोध कब हुआ था, तो इसमें डाउट है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला विरोध कब हुआ था। यमुना की सहायक नदियां कौन सी है, यमुना की सहायक नदियां कौन सी है, चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन। यदि ए अनुपात बी अनुपात 4:5 तथा बी सी बराबर 5:6 है, यहाँ पे 4:5, तो ए बी सी का अनुपात क्या हुआ, 16:20:25। थोड़ा इसकी रकम में अड़का डाउट है दोस्तों। आंसुओं का निर्माण किस ग्रंथि से होता है, आंसुओं का निर्माण किस ग्रंथि से होता है, लैट्रिक क्रिक। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए, विक्रय मूल्य 250 रुपए, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, 25%। वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस अनुच्छेद के तहत की गई, 61वें अनुच्छेद के तहत की गई। 5,000 रुपए पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 5,000 रुपए पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 1,000 रुपए। पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी, 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 2 गुनी होगी, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, 36 वर्ष। जीव द्रव्य की खोज किसने की, पुरंगन ने। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, जयवर्धने कोट्टेपुरम। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, नाथुला दर्रा कहाँ पर, सिक्किम में। ऑक्सीजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने करी, पृष्ठले ने, जोर्ज पृष्ठले। तो दोस्तों ये आपके कुछ जो पहले शिफ्ट में हुए प्रश्न, बहुत अच्छा पेपर था।